सिंस लास्ट वीडियो सबको इतनी पसंद आई कि वी आर बैक विद अनदर वीडियो। पिछली वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पठान गैंग के तीनों हेड्स को मरवाने के बाद बॉम्बे पुलिस की पूरी फोर्स अब दाऊद इब्राहिम पर थी। ऐसे में इंडिया में रहना उसके लिए समझदारी नहीं था, सो ही एस्केप टू दुबई। दाऊद अपने गोल्ड एंड सिल्वर के स्मगलिंग का बिजनेस मिडल ईस्ट में चलाता था, सो उसके वहां पर कॉन्टैक्ट्स भी थे। इनफैक्ट वन ऑफ हिज पार्टनर्स इन स्मगलिंग बिजनेस हेल्प्ड दाऊद एंड हिज फैमिली टू सेटल इन दुबई। इंडिया छोड़ने के बाद दाऊद ने बॉम्बे के स्लम्स को भी पीछे छोड़ दिया था। उसने दुबई में एक आलीशान बंगला खरीदा एंड ही नेम्ड इट व्हाइट हाउस। दाऊद ने दुबई में सेटल होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाया एंड ही सून रिटर्न टू हिज बिजनेस। दुबई में उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी एंड नाउ ही वांटेड टू लेजिटिमाइज हिज बिजनेस। बट ये करने से पहले उसे बहुत सारी ट्रस्टेड एडवाइस की जरूरत थी। एंड सो धीरे धीरे डी गैंग के मेंबर्स अपना बॉलीवुड का धंधा सेटल करके धीरे धीरे दुबई में शिफ्ट होने लगे। बाय 1987 छोटा राजन भी दुबई शिफ्ट हो गया, बट नॉट बिफोर किलिंग अब्दुल कंजू for the murder of Bada Rajan. Chota Rajan was very efficient at his job and was good at organizational skill. ये बात दाऊद को बहुत अच्छी लगी Chota Rajan की, इसलिए दाऊद ने Chota Rajan को अपना right hand बना दिया। Now most of men of Dawood moved to Dubai, but उसके कई सारे partners अभी भी बॉम्बे में थे and without Dawood to look over them, they started getting ambitious. Around this time, BRA gang के Rama Naik and Sharad Shetty के बीच में rivalries बढ़ने लगी। एक तरफ शरद शेट्टी जो कि दाऊद का बेटिंग बिजनेस संभालता था और दूसरे तरफ रामा नाइक जो दाऊद का सबसे पहले पार्टनर्स में से एक था। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो झगड़े का कारण था वो था रियल एस्टेट का डील एंड अब बात बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गई थी। एंड सो दे वेंट टू दाऊद इब्राहिम लुकिंग फॉर आंसर। दोनों ग्रुप्स ने अपनी बात रखी पर दाऊद शरद शेट्टी के फेवर से ज्यादा बोले। दिस लेफ्ट रामा नाइक हार्ट ब्रोकन। रामा नाइक एक स्मॉल टाइम गुंडा नहीं था, he was a gang leader and Daud ka ye decision uske liye insult tha and so he retaliated. Rama Naik ne Bombay pahunch kar usi real estate ke deal ko aage badhane ka decision liya. Daud could not stay quiet. Everyone knew this meant war and the first one to take the fall was Babu Resham. Babu Resham ka koi local bande ke sath jhagda hua tha and he was looking for a revenge. Daud ne us bande ko support karke उसके थ्रू बाबू रेशम को मरवा दिया। एंड नेक्स्ट वन ऑन द लाइन वाज रामा नायक। इन 1987 रामा नायक को सब इंस्पेक्टर राजेंद्र काटदारे ने शूटआउट में मार दिया। कहा जाता है पुलिस को रामा नायक की लोकेशन की खबर दाऊद ने दी थी एंड इसी तरह दाऊद ने बी आर ए गैंग में से बी यानी बाबू रेशम एंड आर यानी रामा नायक को मार दिया। Obviously, there was no proof of connection between Daud and this murder. But Arun Gavli was smart enough. उसको पता था कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपने गैंग को और मजबूत और ताकतवर बनाना शुरू कर दिया because he wanted a revenge. और फिर से स्टार्ट हुआ एक ब्लडी साइकिल ऑफ रिवेंज। ये गैंग वॉर 3-4 साल तक चली एंड द फर्स्ट वन टू गो वॉज सतीश राजे। सतीश राजे बॉम्बे में दाऊद के लिए उसका मेजर ऑपरेशन संभालता था और उसका मर्डर दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था एंड इसीलिए दाऊद ने अरुण गवली के मेंटर अशोक जोशी को मरवा दिया। दिस वाज द फाइनल स्ट्रॉ। अब दोनों ही गैंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब डेली बेसिस पर मर्डर शुरू हो गए। दोनों ही गैंग मेंबर्स अभी एक दूसरे को खुले आम धमकियां एंड मर्डर्स करने लग गए थे एंड पुलिस बैठ के नजारा देख रही थी। देयर वर टॉक्स कि पुलिस भी खुश है क्योंकि अब दोनों ही गैंग्स एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। नाउ भले ही क्राइम की दुनिया लॉलेस होती है पर कुछ लॉस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड ये वो लॉस को कभी ब्रेक नहीं करते। वन ऑफ देम इज नॉट टचिंग फैमिली मेंबर्स। अगर फैमिली मेंबर अगर गैंग का हिस्सा है तो वो एक एक्सेप्शनल है, बट अदर देन दैट गैंग्स कभी भी रिवेंज के लिए इनोसेंट फैमिली मेंबर्स को टारगेट नहीं करते। बट इस गैंग ने उस अनस्पोकन लॉ को भी तोड़ दिया जब डी गैंग ने अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली को मार दिया। दिस ब्रोक अरुण गवली। पापा गवली क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे बट ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड अरुण गवली।
एंड उनके मर्डर ने अरुण गवली के दिल में बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी। ही वेंट सॉफ्ट आफ्टर दिस। अरुण गवली खुद को ही दोष दे रहे थे पापा गवली के मौत के लिए। मौका देखकर दाऊद वेंट ऑन द ऑफेंसिव एंड वो एक एक करके गवली गैंग के टॉप मेंबर्स को एलिमिनेट करता रहा। गवली गैंग बहुत वीक हो गई थी एंड एवरीवन थॉट दैट दे वर डन, बट अरुण गवली ने एक नॉकआउट पंच लैंड किया। ऑन 26 जुलाई 1992 गवली गैंग ने दाऊद के ब्रदर इन लॉ इब्राहिम पारकर की जान ले ली। दाऊद की क्लोजेस्ट बहन हसीना पारकर का हस्बैंड था। इब्राहिम पारकर के मर्डर ने डी गैंग को हिला दिया। दाऊद ने अपने शूटर्स को मारने का ऑर्डर दिया बट पुलिस ने उन शूटर्स में से दो को अरेस्ट कर लिया एंड डी गैंग वॉज मॉर्निंग द डेथ ऑफ वन ऑफ देयर ओन एंड इसी बहाने बॉम्बे ने कुछ दिनों तक पीस देखा। बट ये पीस ज्यादा दिन तक नहीं देखी गई क्योंकि भारत के उत्तरी भाग में एक अलग किस्म की आग जलती हुई देखी गई, एक ऐसी आग जो भारत को आने वाले समय में बदल देने वाली थी। On 6th of December, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कुछ हिंदू मिलिटेंट्स के भीड़ ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। बाबरी मस्जिद एक डिस्प्यूटेड लैंड में थी जहां हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आकर अपना क्लेम करते थे, बट उस दिन 6 दिसंबर के दिन 70,000 लोग के भीड़ ने, जिसमें राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, हिंदू मिलिटेंट ग्रुप एंड कहीं से हिंदू रिलीजन बिलीवर्स ने मिलकर इस मस्जिद को गिरा दिया। उस दिन जब अयोध्या में मस्जिद गिर रहा था, पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की फाउंडेशन गिर रही थी। बाबरी मस्जिद के डिमोलिश ने पूरे देश भर के मुस्लिम्स में गुस्सा भर दिया था। पूरे देश में हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दंगे कर रहे थे एंड उन दंगों की आग से बॉम्बे खुद को बचा नहीं सका एंड बॉम्बे में हर जगह हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे थे। इन दंगों में ज्यादा लॉसेस मुस्लिम कम्युनिटी के हुए क्योंकि हिंदू हैड द बैकिंग ऑफ शिवसेना। बॉम्बे के जवान मुस्लिम सब और गुस्से में आ गए थे। They wanted revenge and they looked up for Daud Ibrahim for this. Pakistan ki intelligence agency ISI ne is chal rahi India mein unrest ka fayda uthane ka decision liya. They gathered a bunch of Muslim mafia leaders from India and other countries. And is group mein Daud bhi involved tha. They wanted to retaliate the Babri Masjid demolition. Kai sare meetings and discussions ke baad they decided to go ahead with it. On 12th March 1993, दोपहर के 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक बिल्डिंग के बेसमेंट में एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुई। बिल्डिंग पूरी तरीके से डैमेज हो गई इस एक्सप्लोजन में। करीब करीब 50 लोग मारे गए। आधे घंटे के बाद मस्जिद बंदर के कॉर्पोरेशन बैंक के बाहर एक दूसरी बॉम्ब एक्सप्लोड हुई। फॉर द नेक्स्ट 1 आवर बॉम्बे में ऐसे 12 एक्सप्लोजन्स हुए। इन एक्सप्लोजन्स में 257 लोगों की मौत हुई और लगभग 1400 लोग घायल हुए। एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सहारा एयरपोर्ट और ऐसी कई सारे बिल्डिंग्स ने उस दिन सेवरल डैमेजेस लिए। पूरी बॉम्बे शहर इस टेररिस्ट अटैक के पीछे के अपराधी को ढूंढ रही थी एंड हु डिड दे टर्न टू? दाऊद इब्राहिम कासकर।